जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें गुरुजी के स्वरूप से कैसे बातें करनी चाहिए। संगत जी, हम जब भी गुरुजी के सामने बैठते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठना चाहिए। इधर उधर की टेंशन्स अपने दिमाग में रखते हुए गुरुजी के सामने नहीं बैठना चाहिए। हमेशा गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से बातें करनी चाहिए। गुरुजी का हाल चाल पूछना चाहिए, क्योंकि उनसे तो उनका कोई हालचाल पूछता ही नहीं है। हम बस अपनी डिमांड्स लेके बैठ जाते हैं या अपनी टेंशन्स बताने लग जाते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, ये कैसे ठीक होगा, गुरुजी हमारी ये विश पूरी कर दो, अभी तक आपने पूरी नहीं की, गुरुजी मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर आपने पूरी नहीं की तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। संगत जी, वो हमारे गुरु हैं, हम गुरुजी को टाइम नहीं दे सकते कि ये 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। गुरुजी सब धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, हम गुरुजी के आगे इतनी जिद नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें भी समझना चाहिए। हम भी बड़े हो रहे हैं, समझदार हैं, हमें कभी भी गुरुजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरुजी से जिद करके मांगेंगे तो गुरुजी हमें दे देंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्प्ररी होगा, क्योंकि वो हमने मांगा है। जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो हमें टेम्प्ररी ही मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता। लेकिन जब सामने वाला हमें खुद कुछ देता है तो वो हमें परमानेंट मिलता है। इसलिए गुरुजी के देने का वेट करना चाहिए। जब भी गुरुजी हमें देंगे, परमानेंट देंगे, टेम्प्ररी नहीं देंगे। अगर आप जिद करोगे तो गुरुजी आपको सिर्फ टेम्प्ररी देंगे, लेकिन किसी ना किसी दिन वो आपसे वापस ज़रूर ले लेंगे। लेकिन गुरुजी को कभी भी टाइम देकर नहीं बोलना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही टाइम दे रहा हूँ, आपको ये विश पूरी करनी ही है। क्या पता गुरुजी की प्लानिंग उससे अच्छी हो, गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हो, हमें वो ना दिख रहा हो, लेकिन हम गुरुजी के पीछे पड़े हैं। गुरुजी 10 दिन के अंदर ही हमें दे देना, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए जब भी गुरुजी के सामने बैठो तो गुरुजी पर ही ध्यान होना चाहिए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए। कभी गुरुजी से गुरुजी का हालचाल भी पूछ लेना चाहिए, गुरुजी से हंसी मजाक की बातें भी कर लेनी चाहिए, तभी हमारे सामने जो गुरुजी का स्वरूप होता है वो आंसर्स देने लग जाता है। उसी स्वरूप से हम बातें करने लग जाते हैं, उसी स्वरूप से हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी के हर स्वरूप में गुरुजी खुद साक्षात विराजमान हैं, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वही स्वरूप हमसे बातें करने लग जाए, तभी तो गुरुजी हमें आंसर्स देना शुरू करेंगे। हमें इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, कुछ टाइम सिर्फ गुरुजी के लिए ही निकालना है, और उस टाइम बिल्कुल भी कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखनी है। अच्छे से हम गुरुजी को टाइम देंगे, अच्छे से गुरुजी से बातें करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि गुरुजी का स्वरूप आपसे खुद बात करने लग जाएगा। गुरुजी हमेशा आपके पास रहने लग जाएंगे, आपको आपकी छोटी छोटी बातों के खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम गुरुजी के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, पहले गुरुजी को भोग लगाएं और बाद में वही प्रसाद हम खा सकते हैं, ताकि हम गुरुजी से बातें कर सकें। टीवी देखकर खाना तो सब खाते हैं, कभी कोई गुरुजी के साथ बैठ के खाना खाए तो गुरुजी को कितना अच्छा लगेगा। संगत जी, इस बात को गलत ना लें, हमें मंदिर में बैठ के नहीं खाना है, गुरुजी के स्वरूप के सामने किसी भी सोफे पर बैठ के या चेयर में बैठ के खा सकते हैं, ताकि आप गुरुजी से बातें करते हुए खाओ। गुरुजी वाह, आपने तो प्रसाद बहुत टेस्टी कर दिया, गुरुजी आपने तो अपनी ब्लेसिंग्स डाल दी, देखो मैं आपका लंगर प्रसाद अपने घर पर ही खा रहा हूँ। कितना अच्छा लगेगा गुरुजी को कि गुरुजी की वडियाई कर रहे हैं, गुरुजी से खाते हुए भी बातें कर रहे हैं। कुछ संगत के पास टाइम नहीं होता, वो ऑफिस जाती हैं, लेट आती हैं, तो वो ऐसे तो टाइम दे ही सकती हैं, गुरुजी को भोग लगाकर प्रसाद उनके पास ही बैठ के खा सकती हैं। गुरुजी को टाइम भी मिल गया, आपने प्रसाद भी खा लिया, दोनों खुश हो गए। तो इसी तरह आपको गुरुजी से बातें करनी चाहिए। अगर आपको कोई अपना सत्संग शेयर करना है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं।
आपको मेरी मेल आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैं कमेंट्स में भी पिन करके डाल दूंगी। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।